जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वन प्लस के हर एक डिवाइस में न्यू न्यू अपडेट जो है आना यहाँ पे शुरू हो चुका है। लगभग 3 मंथ रेगुलर आपको न्यू न्यू अपडेट देखने को मिलेगा वन प्लस के हर एक डिवाइस में। सो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं न्यू अपडेट के बारे में। 2 न्यू अपडेट आ चुका है वन प्लस के डिवाइस में। कौन सा अपडेट है, कौन सा डिवाइस है, पूरा चीज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को इन तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपका यहाँ पे फोन पे जो अपडेट आया उसे आप समझ पाओ कि क्या अपडेट आया। फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट जो है वो है ऑक्सीजन ओएस 14.0.0 करके डिवाइस है, वन प्लस नोड N30SE। अगर आपके पास है तो उसमें आपको ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस अपडेट पे आपको जो है काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फोन का जो परफॉर्मेंस है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है, पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट पे आपको यहाँ पे फोन का जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड है फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को काफी हद तक यहाँ पे बूस्ट किया है, जैसे कि कोई और पर्सन आपके फोन को छेड़खानी ना कर पाए इसलिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एप्स को लेके, यानी जो है एप्स में आपके क्या होता था कि जो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम देखने को मिलता था, यानी जो है क्या होता था कि कोई भी आप जो फोटोज वीडियो अगर आप एडिट कर रहे थे तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता था। आप सेव नहीं करते थे लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता था। सो एक जो प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। सो यहाँ पे 3 अपडेट आपको देखने, इस 3 अपडेट में 3 न्यू आपको जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। एक तो फोन का जो परफॉर्मेंस है उस चीज को इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड फोन का सिक्योरिटी सिस्टम को भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। एंड आपका जो इश्यूज देखने को मिल रहा था नोट्स पे, ओके, जो एडिट करते थे ऑटोमेटिकली सेव हो जाता था, उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। सो आपके पास ये अगर आप डिवाइस है तो आपके फोन का जो सेटिंग है वहां पे आना है, वार्ड वाला सेक्शन पे आना है, वहां पे आप जाके अपडेट जरूर कर लेना है। बात कर लेंगे नेक्स्ट अपडेट का। नेक्स्ट जो अपडेट है ये है ऑक्सीजन ओएस 14.0.0 करके डिवाइस है वन प्लस पेड गो। अगर आपके पास है तो इसमें आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा, काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है बैटरी कंज्यूम को लेकर काम किया है, यानी बैटरी जो है बहुत जल्दी अगर ड्रेन हो रहा था अब जो है ड्रेन नहीं होगा, उस चीज को काफी हद तक यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। बहुत ही फास्ट अगर आपका बैटरी खत्म हो जाता था अब जो है खत्म नहीं होगा, उस चीज को यहाँ पे बूस्ट किया है, बैकअप दिया है आपके फोन के जो है बैटरी को। 3 फिंगर से जो आप स्क्रीन शॉट ले रहे थे उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है, यानी स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको मिनी विंडो करके देखने को मिलेगा जहां से आप एडिट उडिट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उस चीज को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। फोन का जो सिक्योरिटी सिस्टम रहता है कोई छेड़खानी ना कर पाए इसलिए यहाँ पे उस चीज को और भी बूस्ट किया है। एंड नेक्स्ट है फोन का जो है यहाँ पे डिस्प्ले साइज को लेके, क्या होता था कि कुछ लोगों के डिस्प्ले पे यहाँ पे जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता था, वो जैसे ही वो एक और साइज वो सूट करता था या सेट करके रखता था लार्ज साइज पे और वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाता था, यानी जो है साइज उसका यहाँ पे जो है साइज उसका कम हो जाता था। सो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। अब जो है जो भी आप सेट करोगे साइज वही आपको देखने को मिलेगा। एंड कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता था कि और ब्राइटनेस को लेके ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस जो है कम हो जाता था, जिससे कि जो है यूजर्स को प्रॉब्लम देखने को मिल जाता, सही से वो डिवाइस को शो अप नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो ऑटोमेटिकली था। ऑटोमेटिकली के कारण क्या होता था, डिस्प्ले का लाइट जो है कम हो जाता था और यहाँ पे डिस्प्ले जो है पूरा अंधेरा हो जाता बैठ जाता था। सो उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता था, फोन का जो है कैमरा ओपन करके आप जैसे फिंगर से स्क्रीन शॉट लेने का कोशिश कर रहे थे फिंगर से, तो स्क्रीन शॉट आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, अभी आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जो प्रॉब्लम देखने को मिलता था उस चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है। सो गाइस यहाँ पे वन प्लस के ये जो डिवाइस में आपको 2 न्यू अपडेट जो देखने को मिलेगा, इन दोनों भी डिवाइस में से आपके पास जो है कौन सा डिवाइस है एंड कौन सा अपडेट मिला है, ये अपडेट मिला है या नहीं कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस चैनल पे आपको हर एक यहाँ पे अपडेट के बारे में जो है वीडियो मिल जाएगा एंड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है सर सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, कौन सा अपडेट करना है इंस्टॉल, कौन सा अपडेट इंस्टॉल नहीं करना है, पूरा चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके जरूर रख लेना।